अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सबक के जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे 5 बज गया है, इफ्तार का टाइम होने वाला है, मतलब अभी नहीं होने वाला, 2 आवर्स बचे हैं, लेकिन प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है। तो मैं जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। चलिए। हाँ, तो आपको ये सारी चीज़ें देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं हाँ ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। तो मैंने बेसन में ये सारी चीज़ें मिला दी हैं और नमक मैंने अम्मी से मिलवाया था, क्योंकि नमक में मुझे अंदाज़ा नहीं है। कल मैंने एक चीज़ बनाई थी और फ्राई कर ली, सब कुछ कर लिया, आधा बन गया, उसके बाद जब रेहान को टेस्ट कराया तो पता चला उसमें नमक ही नहीं था, मतलब मैंने बहुत कम डाला था, इसलिए मैंने अम्मी से डलवा लिया आज। आप लोग के साथ कैसा होता है, आप लोग को नमक का अंदाज़ा है? और फ्रेंड्स, अभी हमने आधी चीज़ें अपनी फिनिश करके रख ली हैं, वो बैटर बना के रख लिया है, बेसन का और सारी चीज़ें कट करके रख ली हैं, बॉयल्ड आलू को मैश करके रख लिया है। अभी हम उसके अंदर का जो आलू है ना, उसका वो जो फिलिंग है, उसको प्रॉपर तैयार करते हैं। यहाँ पे बॉयल्ड आलू को मैश करके रख लिया, उसका बैटर भी तैयार कर लिया है। अब जो आलू है ना, जो बॉयल्ड वाला, अब हम उसको ना फ्राई कर रहे हैं, जो कि हम हमेशा एक जैसा करते हैं, एक ही चीज़ चली आ रही है हमेशा से। अब वही सारे मसाले डलते हैं, वही आलू आप ब्रेड पकौड़ों में डाल दो, या समोसे में डाल दो, या फिर आप सैंडविच में डाल दो, या फिर आलू के वड़े में डाल दो, जिसमें भी डाल दो, है ना। ज़्यादा ही तेज़ चिंगारियाँ निकली थी उससे, पता नहीं क्यों, अनएक्सपेक्टेड था। इसको ना वीडियो में आने का बहुत शौक है, जब भी वीडियो बनता है तो ये आके खड़ा हो जाता है बहाने से। चुप रहो। और फिर वो जो आपने बनाया था उसको मैं समझता। कुछ करके रख दिया तो उसे फ्राई करना बचता है, तो अभी टाइम है काफ़ी, तो मैंने सोचा कि तभी आधे घंटे पहले ही करेंगे। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ के आके फिर कुछ और करूँगी, उसके बाद इसको फ्राई करूँगी। इतना दही तो नहीं है कि इसकी लस्सी बन जाए, ये पानी दिख रहा है, साइड में थोड़ा सा ही दही है, तो मैंने सोचा दही का शरबत बना लेते हैं। अम्मी का बहुत दिन से मन भी कर रहा था, दही बहुत कम था, इसलिए मैंने दूध डाल दिया, उसमें चीनी डाल दी, उसमें शरबत आज़म डाल दिया, क्योंकि रू अफज़ा नहीं था तो जो था उसी को यूज़ कर लिया। और इसको ये देखो क्या कहते हैं, इसको डेकोरेट कर दिया क्लास को, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये ख़त्म हो गया, दही बन पाया। क्या करना है ना, अपने घर की बात है। दही बहुत कम था इसीलिए एक गिलास, अभी आधा गिलास ही बन पाया है, और उसमें भी दही कम डाला है, दूध ज़्यादा डाल दिया, तो टेस्ट तो नहीं कर सकती। तो इफ्तार के बाद बताऊंगी शरबत कैसा बना। तो अपने दही के शरबत को फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और अब हम चलते हैं अपने ब्रेड पकौड़ा को फ्राई करने। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड पकौड़ा में सिर्फ चीज़ का स्लाइस ऐड कर दिया है, सोचा कुछ अच्छा बनेगा, देखते हैं कैसा होगा, जब घर वाले खाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, आप लोगों से मुझे एक आइडिया चाहिए, आप लोग मुझे ये सजेस्ट करो कि जब मैं ब्रेड को उसमें डिप करती हूँ अभी आगे जाके, तो वो इतनी टूट क्यों जाती है, ब्रेड 2-3 दिन पुरानी थी इसीलिए। हाँ, ये जो स्टेप कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि ब्रेड को मैं जैसे ही डिप कर रही थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जा रही थी और उसी में टूट जा रही थी। बैटर बहुत थिक था, क्या रीज़न है, सजेस्ट करो इसका कोई हैक सजेस्ट करो कि ये टूटे ना। फिर भी जैसे तैसे हमारे ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गए। तो ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गया, पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होगा, अभी पता चलेगा जब इफ्तार होगा। अभी भाई अभी ऊपर से आएंगे, यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है, और अभी अम्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब बस इफ्तार का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, बहुत
ऐसे पी लो ग्लास से। कैसे? अच्छे है। आपका मन करा था ना शरबत पीने का, दही वाला? बहुत अच्छा है। और ब्रेड पकौड़ा को तो बता दो कैसा है। वो भी बहुत अच्छा है। अच्छे वाले भाई भी तारीफ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं था, तो बहुत बुरा भी नहीं था, ठीक ठाक था। जब ज़्यादा दही होगा तो दोबारा ट्राई करूँगी। अच्छा, और आप ये भी? अच्छा, बहुत दिनों बाद नीचे वॉक के लिए जा रही हूँ सोसाइटी। कल हम लोग बहुत दिनों बाद नीचे उतरे थे सोसाइटी में वॉक करने के लिए, जब कोई नहीं था, तो मैंने सोचा आपको वो भी दिखा दूँ कि यहाँ पर कैसा माहौल है। आज बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों मज़ा आ रहा है? आज हम लोग नीचे आए ना, इसलिए सोसाइटी एकदम खाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो हमने सोचा चलो कुछ क्यों ना वॉक करके आते हैं। मैं काफ़ी दिनों से नीचे नहीं आ रही थी, लेकिन हमने सोचा चलो अभी चलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग अम्मी? बोलो कहाँ जा रहे हैं? वॉक करने जा रहे हैं, लेकिन अभी कहाँ जा रहे हैं? डॉग्स को बिस्किट खिलाने जा रहे हैं। वैसे मुझे डॉग से डर लगता है, सिवाय कदर के। अभी ये गेट बंद है तो हम यहाँ से दे सकते हैं आराम से। यहाँ पे अभी सब शांति है। यूजुअली यहाँ पे सब लोग वॉक करते थे, घूमते थे, खेलते थे, लेकिन अभी कुछ वक्त से एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। मास्क लगाने में कितनी मुश्किल होती है, डॉक्टर्स, नर्सेज और जो लोग कंटिन्यू काम करते हैं वो लोग कैसे लगाते हैं मास्क। उन लोगों को दिल से सलाम और उन लोगों के लिए बहुत सारी प्रेयर्स कि वो लोग ठीक रहें। बस आई होप सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मास्क है तो क्या हुआ, हम पोज करना नहीं छोड़ेंगे। और वो देखो कौन दिखा। अच्छा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।